आफ्टरनून, अभी हम लोग जा रहे हैं, स्टेशन पे ही है, अभी हम लोग जा रहे हैं फेरिंग टर्न हमारा बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने के लिए, तो जल्दी से जाना होगा नहीं तो बंद हो सकता है बिकॉज 3:30 लास्ट है, हम लोग अभी 12:30 बज रहा है, तो जल्दी से जाएंगे तो हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद हम लोग आज जाएंगे चाइना टाउन, बट लेट्स गो फर्स्ट। आपको पता नहीं होगा कि बीआरपी कार्ड क्या होता है, तो वीज़ा जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड होता है। एक्चुअली वीज़ा तो 3 साल या 5 साल जितने साल का आपका है उसके लिए वैलिड ही है, बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे जब आप यूके पे एंटर होते हो, एंटर होने के बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक वैलिड कार्ड चाहिए होता है, उसे बीआरपी कार्ड कहते हैं। डिटेल्स में मैं घर जाके बताऊंगी, अभी यहाँ पे इतना साउंड है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, निकल के कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ऐसे खुली ताज़ी ठंडी हवा में जो पोजिंग देने का, वीडियो शूट करने का मतलब मज़ा है ना, वो कहीं और कहाँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा यहाँ पे हवा का मज़ा लिया जाए और थोड़ा सा पोज देके खुद का ओटीटी शूट किया जाए। आप लोगों ने देखा हैरी पॉटर एंड द कर्स चाय का वहाँ पे शूट हुआ था, बीआरपी कार्ड कलेक्ट कर लिया है, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो हम लोग अभी चाइना टाउन है लंदन के, सो वी आर गोइंग। यहाँ पे ना काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी है, जैसे कि ये वाला है और चाइनीज़ बहुत सारे हैं, इंडोनेशियन एंड अदर क्यूजिंग भी हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ द क्यू, यहाँ पे खड़े होके हमको जाना पड़ेगा, ये वाला है क्यू, यहाँ से यहाँ पे सम पे दमाया, यहाँ से ये है हमारा रेस्टोरेंट, नॉट दैट फार। हम लोग जिस रेस्टोरेंट में आए हैं उसका नाम है वोंकी, ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में काफ़ी टेस्टी अच्छी क्वालिटी का चाइनीज़ ओरिएंटल फूड आपको सर्व करता है, तो आप अगर किसी अच्छे डेस्टिनेशन में जाना चाहते हो चाइना टाउन में जो कि अफोर्डेबल है, तो वोंकी को आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी टेस्टी फूड यहाँ पर मिलता है और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है यहाँ की। बाहर ही मेनू दिया हुआ रहता है ताकि आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। हम लोग तो खाना खा चुके हैं बट अमाया की वजह से ना हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए, हमेशा इसका शुरू हो जाता है बाहर निकलती जू 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 जू। और ये देखिए न्यू ईयर क्रिसमस की वजह से ये कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। शॉपिंग टाइम और सबसे सस्ता टिकाऊ शॉपिंग कहाँ पे होता है, प्राइमार्क पे, जी हाँ सही पकड़े हैं। और यहाँ पे आप देखो काफ़ी वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बच्चे का, बूढ़े का, हमारा और लड़कों का भी सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्राइमार्क पे, अगर आप चेक करना चाहते हो कोई रीजनेबल सा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा तो वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और वैरायटी और बहुत सारा डिफरेंट डिज़ाइन में भी मिल जाएगा। हम लोग अभी प्राइमार्क में आए हैं, सो दिस इज़ मी संबित अमाया, संबित पागल हो चुका है क्योंकि लेट हो गया है, तो अभी हम लोगों को जाना है, मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की है यहाँ पे है, तो अभी ये सब लेके हम लोग जाएंगे। और मैंने आउटफिट ऑफ द डे आप लोगों को नहीं दिखाया है कभी भी,
तो आज मैं दिखा रही हूँ, रुक जाए। तो गाइस प्राइमार्क में सेल चल रहा है, थ्रू आउट द ईयर ही सेल चलता है, कभी कभी डिफरेंट ओकेशंस के लिए वो लोग सेल देते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पे। तो आप देख सकते हो काफी रीजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के चीजें यहाँ पे मिल रही है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें ना मेड इन इंडिया या फिर मेड इन बांग्लादेश है। तो अगर आप इंडिया में किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो इंडिया का ही सामान विदेश में खरीद के फिर देश में जाके गिफ्ट करना, ऐसी बात हो जाती है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजों का प्राइस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। This is the outfit that I'm wearing. It's a very nice one. और ये पैंट थोड़ा सा पतला है, तो आई मीन ऐसा पतला नहीं है, ठंड के लिए थोड़ा सा पतला है, तो उसके अंदर मैंने ये पहना हुआ है। फ्लीस पैंट जो बोलते हैं वो पहनी हुई है, एंड इट्स क्वाइट नाइस एंड कूल। तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ब्लेस।